स्क्वायर रूट ऑफ 48 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हम स्क्वायर रूट को अनरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम अपना लॉन्ग डिविजन मेथड काम में लेने वाले हैं। तो ये दो अंकों की संख्या है, इसके लिए हमने लिया 6 गुना 6, कितना होता है 36। किसको लिया 6 को, तो एक बार यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करना रहता है, इसको जोड़ना रहता है और इसको घटाना रहता है। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है 0.000000, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दें। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना बन गया 1200। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें 1200 से बड़ा ना मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ऐसी कौन सी संख्या लें उसका खुद के साथ गुणा किया कि हमें 48 से बड़ा ना मिले। ठीक है, तो इसके साथ जैसे मैं 5 लेता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ, पच्चीस दो के लिए आ गया 12, केवल इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं जैसे 9 लेता हूँ, 9 का गुणा करता हूँ, 99 81, 8 के लिए आ गया, 9 2 18, 8 26, 2 के लिए आ गया, 9 2 11। किसको लिया हमने 9 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर इसको घटाया, इसको जोड़ा, घटाने में कितना आ रहा है 9 3। ठीक है, अगले 00 यहाँ ले आएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या रहेंगे, अगले 00 यहाँ लाने के लिए अनुमत रहेंगे, ये बात समझें। अब इसके साथ जैसे हम 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं, तो इससे बड़ा आ रहा, लेकिन 2 लिया, 2 का गुणा किया तो इससे बड़ा नहीं, कितना आ रहा है 4 16 6 1 7 और 2। फिर वही घटाना जोड़ना, किसको लिया यहाँ पर हमने 2 को लिया। ठीक है, जिसको लेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यह जो वैल्यू निकला है 6.92, यह स्क्वायर रूट ऑफ 48 है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।